आज हमने कराया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 78,10,114 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 54,366 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 690 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 117,901 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। तो प्रदेश में 288 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 288 नए संक्रमित मिले हैं। 3 दिन के बाद संक्रमित मामलों की संख्या 300 से नीचे रही है। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 62 कोरोना मरीज मिले, जबकि देहरादून में 44, पौड़ी में 41, नैनीताल में 33, रुद्रप्रयाग में 26, हरिद्वार में 17, उत्तरकाशी में 14, बागेश्वर में 13, चमोली में 10, टिहरी में 12, चंपावत में 7, अल्मोड़ा में 5 और पिथौरागढ़ जिले में 4 कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में 11 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, जिला अस्पताल उधमसिंह नगर में 1, जिला अस्पताल बागेश्वर में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में कॉलेज हल्द्वानी में 2 और HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1 मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 59,796 हो गई, जबकि 53,718 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 4,656 केस एक्टिव हैं, 979 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,785, बागेश्वर में 866, चमोली में 1,637, चंपावत में 1,098, देहरादून में 16,585, हरिद्वार में 10,729, नैनीताल में 7,028, पौड़ी गढ़वाल में 2,721, पिथौरागढ़ में 1,394, रुद्रप्रयाग में 1,078, टिहरी गढ़वाल में 2,922, उत्तरकाशी में 2,607, टोटल मामले 59,796 हो गए हैं। फैसला, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा नहीं की जाएगी रद्द। तो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों की भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। शुक्रवार को बोर्ड बैठक में सभी तथ्यों को देखते हुए अधीन सेवा चयन आयोग ने यह फैसला लिया। यह आयोग का कहना है कि भर्ती परीक्षा में कुछ केंद्रों पर नकल कराने का मामला है। इसमें 31 अभ्यर्थी की पहचान हो चुकी है। शेष 26 अभ्यर्थी की पहचान के लिए SIT का अंतिम जाँच रिपोर्ट देने को 1 माह का समय दिया गया है। आयोग ने निर्णय लिया है कि पेपर लीक वाले 22 परीक्षा केंद्रों को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। तो परीक्षा ड्यूटी में तैनात कक्ष निरीक्षक ने लीक किया था पेपर। तो आयोग के अनुसार SIT जांच में पाया गया कि BSM इंटर कॉलेज रुड़की में परीक्षा केंद्र में कक्ष निरीक्षक रचित पुंडीर ने पेपर लीक किया था, जिसमें उसने प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर राहुल नाम के व्यक्ति को दी, फिर प्रश्न पत्र हल कर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों को उत्तर बताए। ब्लूटूथ डिवाइस एक ही IMEI नंबर से संचालित हुई थी। 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा हरक। तो भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से बाहर होने से नाराज श्रम मंत्री और कोटद्वार के विधायक हरक सिंह रावत ने 2022 का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। अध्यक्ष पद के विवाद पर हरक ने सिर्फ यही कहा कि यह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, उनसे बात करने के बाद ही इस पर कुछ कह पाएंगे। इंदिरा हृदयेश, हम चुनाव लड़वाएंगे। तो हरक की नाराजगी से बढ़े हुए सियासी तापमान पर कांग्रेस की भी निगाह है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तो साफ कहा कि हरक अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो हम चुनाव लड़वाएंगे। 2016 में तत्कालीन CM हरीश रावत से नाराज हरक सिंह भाजपा के संपर्क में आए थे। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे कार खाई में गिरी 2 लोगों की मौत। तो डुगड्डा धुमाकोट स्टेट हाईवे पर डोटियाल और रतुआ डाब के बीच एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। कार सवार लोग फरीदाबाद से शादी में शामिल होने आ रहे थे। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में प्रवेश के लिए 19 नवंबर तक करें आवेदन। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके प्रवेश प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। तो 19 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। CTET की तिथि अभी घोषित नहीं, तो CBSE ने साफ स्पष्ट किया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा
बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CET की तिथि अभी घोषित नहीं की। CBSE के संज्ञान में आया है कि शरारती तत्व अभ्यर्थी को भ्रामक सूचना प्रसारित कर रहे हैं कि परीक्षा 5 नवंबर को आयोजित होगी। बोर्ड ने इस तिथि को फर्जी बताया है। बोर्ड का कहना है कि 25 जून 2020 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि परीक्षा की अगली तिथि तब घोषित की जाएगी जब स्थिति ठीक होगी। बोर्ड ने फिर से स्पष्ट किया कि CET के 14वें संस्करण की नई तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। होम लोन बंद कराने पर जुर्माना नहीं, तो त्योहारी सीजन में घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। RBI ने आवास वित्त कंपनियों के नियमों में बदलाव कर लिया है। इसके तहत आवास वित्त कंपनी से होम लोन लेकर समय से पहले बंद करवाने या पूर्व भुगतान करने पर अब कोई जुर्माना नहीं देना होगा। रिखणीखाल में कार हादसे में 2 की मौत, जबकि मौरी में वाहन दुर्घटना से 1 की मौत हो गई। तो मौरी सांगरी मोटर मार्ग पर शुक्रवार को एक वाहन फफराला खड्ड के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक युवक की घटना स्थल पर मौत हो गई। तोता घाटी में यातायात शुरू होने से टूटा 7 माह का सन्नाटा। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोता घाटी में शुक्रवार को आखिर यातायात बहाल हो गया। NH की ओर से प्रशासन को खतरा बनी चट्टाने को पूरी तरह हटाए जाने की रिपोर्ट सौंप दिए जाने के बाद यहां यातायात शुरू हो गया है। हालांकि इसमें अब SDM स्तर से औपचारिक कार्रवाई की जानी शेष है। बद्रीनाथ हाईवे से देवप्रयाग के तोता घाटी में बीते 22 मार्च से कटिंग का कार्य शुरू किया गया था। तब NH प्रशासन की ओर से 10 दिनों में काम पूरा किए जाने की बात कहते हुए हाईवे पर शटडाउन भी लिया गया था। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे भटवाड़ी में भालू के हमले से एक महिला घायल हो गई। तो भटवाड़ी प्रखंड में नाल्ट गांव में खेतों में काम करते समय महिला पर भालू ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पौड़ी में गुलदार के हमले से एक किशोरी घायल। तो शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर बुआ खाल रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे मांडा खाल में गुलदार ने किशोरी को घायल कर दिया। हमले में घायल किशोरी को जिला चिकित्सालय प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पे बाढ़ गंगा में मिला ग्रामीण का शव। तो खानपुर ब्रह्मपुर गांव निवासी एक व्यक्ति का शव बाढ़ गंगा से मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खेत पर गए एक किसान को बाढ़ गंगा में शव नजर आया। रुड़की से खबर है, जहां पे मायके आई महिला से सामूहिक दुष्कर्म। तो मायके आई महिला से 3 युवकों ने मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म किया। मारपीट में महिला की नाक की हड्डी टूट गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो खबर गंगनहर की है, जहां पे गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती की शादी करीब 1 साल पहले बैदराबाद क्षेत्र में हुई थी। करीब 20 दिन पहले वह मायके आई। 19 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे वह अपनी मौसी के घर जाने के लिए घर से निकली। इस बीच रास्ते में उसे 3 युवक मिले, जिसमें 2 आपस में रिश्तेदार हैं। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार। तो शादी का झांसा देकर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि उसकी वीडियो बनाकर अपने दोस्त को शेयर कर दी। दोनों दोस्त ने युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है मंगलोर से, जहां पे तमंचे के बल पर दुष्कर्म। तो खेत पर काम करने गई महिला के साथ एक युवक ने तमंचे के बल पर आतंकी कर दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिला को मेडिकल निरीक्षण के लिए भेज दिया है। रुड़की में कोरोना के 10 डेंगू का एक मरीज मिला। तो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को रुड़की में कोरोना के 10 नए मरीज मिले। सभी मरीज रुड़की के अलग अलग इलाकों में के हैं, जबकि रुड़की के खंजरपुर में एक महिला डेंगू पॉजिटिव पाई गई है। पंतनगर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो फूड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और MCA के 3 टॉपर हल्द्वानी के हैं। हंसी ने भाई संग जाने से किया इनकार। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की होनार और MA हंसी परी ने एक बार फिर से अपने भाई के साथ जाने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को उनके छोटे भाई आनंद उन्हें लेने आए थे। भाई ने उन्हें अपने साथ नोएडा या अल्मोड़ा चलने को कहा। हालांकि हंसी का कहना था कि वह हरिद्वार में ही रहना चाहती हैं। CCTV कैमरे की नज़र में हेलीकॉप्टर। तो केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर की उड़ान पर पैनी नज़र रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा धाम में CCTV कैमरा लगाया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर की प्रत्येक शटल की रिकॉर्डिंग की जा रही है।
एसएसबी ने नेपाल बॉर्डर पर खाद, चीनी, मटर और पटाखे पकड़े हैं। तो एसएसबी ने नेपाल बॉर्डर पर खाद, चीनी, मटर और पटाखे पकड़े। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। एसएसबी ने जब्त माल को कस्टम के सुपुर्द कर दिया है। बात करते देहरादून की खबरों की, तो 70-80 रुपये किलो बिक रहा प्याज, तो थोक बाजार में कीमतें स्थिर, लेकिन फुटकर बाजार में बढ़ोतरी जारी है। आज कई जगह छाए रहेंगे हल्के बादल, तो प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार ज़्यादातर जगह आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। रात के तापमान में करीब 1 डिग्री की कमी होने का अनुमान है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। शहर में ब्लड बैंकों में खून का संकट, तो दून अस्पताल ब्लड बैंक में 9 यूनिट खून रहा शेष। एसएमआई ब्लड बैंक में भी स्टॉक बेहद कम है। परेशान रहे कोटद्वार रूट की यात्री, तो रोडवेज कर्मियों के आंदोलन के चलते आईएसबीटी में रोडवेज बसों का संचालन खासा प्रभावित रहा। दिल्ली व लोकल रूटों पर 10 बसों का संचालन नहीं हो सका। इनमें कोटद्वार, सहारनपुर और हल्द्वानी जैसे अहम रूट शामिल हैं। ट्रेन में लेकर जाएं अपना तकिया, अपना कम्बल, तो ठंड के मौसम में ट्रेनों के वातावरण को कोच में सफ़र करना है तो यात्रियों को अपने साथ कंबल, चादर और तकिया ले जाना होगा। आने वाले कुछ महीनों में रेलवे की ओर से इन कोचों में यात्रियों को कंबल, चादर और तकिया मुहैया कराने की कोई योजना नहीं है। अतिक्रमण तो हटा दिया, मलबा कब हटेगा? वही खबर आई है विकास नगर से, जहाँ पर चांदपुर खुर्द में जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू से राहत, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं मिल रहा डेंगू का लार्वा। दोस्ती आकर फाइनेंस कंपनी की प्रबंधक को ठगा, तो ठग ने फाइनेंस कंपनी की शाखा प्रबंधन को ही ठग दिया। दोस्ती बढ़ाकर उसने महिला के बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा दिया। उसने महिला का 200 ग्राम सोना भी अपने नाम से गिरवी रख दिया और 5 लाख रुपए उधार लेकर भी वापस नहीं दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है देहरादून से, जहाँ पर ठग ने खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए, तो फोन पर ठगी करने वालों ने अजबपुर निवासी मनोज कुमार के खाते से करीब 1 लाख रुपए साफ कर दिए। हादसे में घायल तीसरी किशोरी ने भी दम तोड़ा। तो बीते बृहस्पतिवार देर रात 11 बजे देहरादून रोड स्थित बालाजी बगीचे के पास हुए ट्रक हादसे में बागड़ी परिवार के एक और किशोरी की मौत हो गई। दूसरे घायल किशोरी को परिजन SPS राजकीय चिकित्सालय से अपने घर मुजफ्फरनगर ले गए। ऋषिकेश मौत के साए में सोते हैं 45 परिवार, तो खानाबदोश जिंदगी जीने वाले बागड़ी समुदाय के लोगों को मौत के साए में जीवन गुजारना पड़ रहा है। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे थाली कटोरी बजाकर किया प्रदर्शन, तो कर्मचारियों ने वन विकास निगम में हुए वित्तीय घोटाले में कार्रवाई की मांग की है। नशे के शिकार 16 लोगों की काउंसलिंग की गई, तो देहरादून से खबर, जहां पे युवाओं को नशे के दलदल से निकालने के लिए विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञ पुलिस के साथ स्वेच्छा से जुड़ने लगे हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हिमाचल प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET के फॉर्म निकल गए हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 नवम्बर 2020 रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पद खाली हैं, तो साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए 28 अक्टूबर 2020 को साक्षात्कार होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी यहां पर ले सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट व अन्य पद रिक्त हैं, कई करें अप्लाई। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में ये वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद 129 हैं, तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 26 अक्टूबर रखी गई है। योग्य उम्मीदवार करें आवेदन, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 6 हैं, तो इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 29 अक्टूबर 2020 को साक्षात्कार होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। शक्ति पूजन आज जिमाई जाएंगी कन्याएं, तो दुर्गा अष्टमी और नवमी आज। कोरोना के चलते लोग कन्या पूजन से बरते सावधानी, प्रसाद के रूप में फल देने पर ज़्यादा जोर दें।
दशहरे पर नहीं जलेगा 10 फीट से ऊंचा रावण का पुतला। तो राजधानी में दशहरे पर रविवार को रावण के पुतले का दहन तो होगा लेकिन मेला नहीं लगेगा। आयोजन के लिए आयोजकों को सिटी मजिस्ट्रेट या SDM से परमिशन लेनी होगी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला 10 फीट से अधिक ऊँचा नहीं होगा। पुतला दहन में आयोजकों समेत केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा मेला नहीं लगेगा। शेष वेतन के लिए गर्जे रोडवेज कर्मी तो कोटद्वार डिपो कार्यालय में धरना दिया है। मांगों का निस्तारण न होने पर 26 को मंडलीय कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को शिक्षक मुखर तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। नई टिहरी से खबर है जहाँ पे 7 माह बाद खुला त्रिहरी सिनेमा हॉल। तो लॉकडाउन के 7 माह बाद नई टिहरी में त्रिहरी सिनेमा हॉल दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। पौड़ी से खबर है जहाँ पे पंखे से लटका मिला युवक का शव। तो एक युवक का शव घर पर पंखे से लटका मिला। पुलिस मामले को खुदकुशी से जुड़ा बता रही है। फर्जी कंपनी बनाकर हड़पे लोगों के पैसे। तो कोटद्वार से खबर है जहाँ पे शहर में फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओर से मैनेजर को लोगों के खाते खुलवाने पर उसे पैसे नहीं देने और ग्राहकों का पैसा हड़पने का मामला सामने आया है। टिफिन टॉप में पर्यटकों को देना होगा प्रवेश शुल्क। तो पर्यटन नगरी लंचडाउन में टिफिन टॉप जाने वाले पर्यटकों को प्रवेश शुल्क के रूप में 20 रुपये देना होगा। माड़ा में खुली सहकारी बैंक की शाखा। वहीं खबर है श्रीनगर से जहाँ पे कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। तो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में चल रहा था कर्णप्रयाग निवासी का इलाज। 2 दिन बाद खुला उखीमठ बाजार। तो प्रशासन ने 2 दिन से मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित होने से बंद उखीमठ बाजार को खोलने की अनुमति दे दी है। नौगांव से खबर आई है जहाँ पे मास्क नहीं पहनने पर 60 लोगों का चालान किया गया है। आरोपी पर दुष्कर्म की कोशिश और जान से मारने का केस। तो खबर है पौड़ी से जहाँ पे चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र में कॉलेज से लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में जान से मारने और दुष्कर्म की कोशिश का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। ओनाल गांव ने जीता शहीद हमीर क्रिकेट का फाइनल। तो गांव घेरा में चल रहे टूर्नामेंट में कंडियाला गांव बना उप विजेता। बी फार्मा में प्रवेश को 30 तक जमा करें फीस। तो केंद्रीय गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में संचालित बी फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों को 30 अक्टूबर तक फीस जमा करने का मौका दिया गया है। दूसरी जगह नहीं जाएंगे पॉलिटेक्निक। तो टीवी से खबर जहाँ पे जाखणीधार कौंडी खाल और हिंडोला खाल में जारी रहेगा संचालन। प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाएं। तो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ ने प्रवक्ता अरविंद डुडपुड़ी ने राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई प्रवक्ताओं की भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता के 571 पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। आयोग की ओर से आवेदन करते समय आवेदक से संबंधित डिग्री मांगी गई है। उन्होंने कहा कि आवेदक को प्रोविजनल डिग्री लाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने प्रवक्ता तिथि की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 दिसंबर करने की मांग की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो CCTV की निगरानी में होगा पुल का काम। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं 120 सोलर लाइटों से चमकेगा पेशवाई रोड। तो ललतारो पुल में CR तक 2 किलोमीटर की लंबाई तक 7 मीटर तक चौड़ीकरण किया जाएगा। महाकुंभ 154 करोड़ के 4 कार्यों को हरी झंडी दे दी गई है। तो बदहाल रुड़की लक्सर स्टेट हाईवे की हालत सुधरने की उम्मीद जगी है। माँ बेटे पर आजीवन कारावास। तो 2015 में गोली मारकर कर दी थी दामाद की हत्या। 20,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। गुलदार को पकड़ने में लगी वन विभाग की टीमें। तो हरिद्वार से खबर जहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क की सीमा से सटे स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद पर के पास दिखे गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की 6 टीमें दिन भर जंगल को छानती रही। कोरोना के मरीज घटे पर खतरा अभी भी बरकरार। तो सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर दे सकती है दस्तक। सुरक्षा नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी। सावधान, जान भी ले सकता है पिस्सू। तो कोरोना काल में स्क्रब टाइफस ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें। तो पिस्सू इंसान का खून ही नहीं चूसता बल्कि जान भी ले सकता है। पिस्सू के काटने से होने वाली स्क्रब टाइफस संक्रमण बेहद घातक है।
इस बार कुंभ में बंदर बन सकते हैं मुसीबत, तो बंदरों को बाध्यकरण के बाद हरिद्वार में ही छोड़ रहा है विभाग। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे शादी का झांसा देकर के युवती से किया दुष्कर्म। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवती से एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डंपर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। तो खबर आई है हरिद्वार ज्वालापुर से, जहाँ पे कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर जूस कंट्री के पास एक डंपर की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वही खबर हरिद्वार से, जहाँ पे संदिग्ध हालत में बस चालक की मौत। जेएमयू बस के एक चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हरिद्वार में पहली बार अकेले जलेंगे लंकेश। तो कोरोना काल में रावण का कद 60 फीट से घटाकर 6 फीट कर दिया गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो इस बार कड़ाके की सर्दी होने वाली है। तो इस बार मौसम पर लानीना का प्रभाव रहेगा और कड़ाके की ठंड होगी। हालांकि अभी तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक किस सप्ताह भर मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। चिंताजनक बेस और एसटीएच में ब्लड बैंक में खून का संकट बना हुआ है। दो मौतों के बाद विभाग ने लगाए 4 पिंजरे, तो तेंदुए का आतंक बना हुआ है। दो दिन से लापता था रेलवे ट्रैक पर मिला शव। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे घर में टैक्सी स्टैंड के से निकले टैक्सी चालक का शव दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह तिकोनिया के पास रेलवे पटरी के बीच मिला पड़ा। उसकी गर्दन और हाथ में चोट आई है। पुलिस घटना के कारणों की छानबीन कर रही है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे दरोगा की मौत कोरोना संक्रमित निकले। तो बागेश्वर जिले में तैनात दरोगा जगदीश प्रसाद, जो कि 58 साल के थे, एसटीएच में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार रात उनकी मौत हो गई। जांच रिपोर्ट में दरोगा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे हादसे में पीआरडी जवान की मौत हो गई। तो कुंवरपुर चौराहे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पीआरडी जवान घायल हो गए। बेस अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 50,000 की मूर्तियां 1,000 रुपये में बेच दी। तो कोतवाली पुलिस ने 2 अभियुक्ती को गिरफ्तार कर बर्तन बाजार से हुए चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी की गई 62 मूर्तियां भी बरामद कर ली हैं। शादी में बैंड बाजा बजाएं पर भीड़ न जुटाएं, तो जो पुलिस और प्रशासन ने बैंड बाजा कारोबारियों को आश्वस्त किया है। एसटीएचएम में कोरोना संक्रमित की मौत। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। शादी में बैंड बाजा बजाएं पर भीड़ न जुटाएं, तो जो पुलिस और प्रशासन ने बैंड बाजा कारोबारियों को आश्वस्त किया है। एसटीएचएम में कोरोना संक्रमित की मौत। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। आईटीआई 202 सीटों पर प्रवेश हुए मात्र 28। तो आईटीआई में द्वितीय काउंसलिंग में अलॉट सीटें न भरी जाने पर प्रवेश की तिथि 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार तक युवक आईटीआई में केवल 23 प्रवेश हुए, जबकि महिला आईटीआई में मात्र 5 ही प्रवेश हो सके। द्वितीय काउंसलिंग में 202 सीटों के लिए प्रवेश होना था। महिलाएं घर पर ही सजा रही करवा चौथ की थाल। तो सुहागिन महिलाओं का त्यौहार करवा चौथ नज़दीक है। समूहों से जुड़ी महिलाएं घर पर ही थाल तैयार कर रही हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो अटल आयुष्मान योजना में उत्तराखंड अव्वल। तो मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना काल में सर्वाधिक पेंशन देने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश है। आदमखोर तेंदुए को मारने मेरठ से पिथौरागढ़ पहुंचे शिकारी हादी। तो जिला मुख्यालय में आतंक का पर्याय बने आदमखोर गुलदार को मारने के लिए मेरठ के शिकारी सैयद बिन हादी पहुंच गए हैं। शहीद रेसवाल की पत्नी को मिली नौकरी। तो पुलवामा में 21 जनवरी को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे राहुल। वेतन के लिए डटे रहे रोडवेज कर्मी। बागेश्वर में दरोगा की मौत पर जांच में निकला कोरोना पॉजिटिव। तो कोतवाली में साथियों के ने फोटो रखकर दी अंतिम सलामी। मां पूर्णागिरी के दरबार में भक्तों की लगी कतार। तो खबर है टनकपुर। वहीं खबर आई है चंपावत से, जहां पे जिला अस्पताल में गर्भवती को रेफर करने की जांच होगी। तो परसुता के परिजनों ने खत के बाद डीएम ने निर्देश दिए हैं।
कटिंग के नाम पर घंटों बंद हो रहा एनएच तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन बारह मासी मार्ग पर बाराकोट से घाट के बीच कटिंग लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर खेल विभाग कराएगा रिले दौड़। तो खेल विभाग की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए 15 किलोमीटर की रिले दौड़ का आयोजन किया जाएगा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे 27 अक्टूबर को होगी शारीरिक शिक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। तो राजकीय स्नातोत्तर महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष और छठे सेमेस्टर की शारीरिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा 27 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। खबर है टनकपुर से, जहां पे बासी खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई है। तो दशहरा दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जगह जाँच की है। उधमसिंह नगर की खबरों की बात करते हैं, उधमसिंह नगर से खबर आई, जहां पर हल्द्वानी का डंका मास्टर ने नेहा चौबा और एमसीए में सूरज बोरा रहा बल। तो पंतनगर विश्वविद्यालय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। जिले में धान की खरीद को 40 लाख क्विंटल के पार। तो सरकारी क्रय केंद्रों में 10.61 क्विंटल धान बिका है। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे शादी के दूसरे दिन नकदी और जेवर लेकर दुल्हन फरार। तो शादी के दूसरे दिन एक युवती दुल्हन ससुराल से हजारों की नकदी और जेवर समेट कर फरार हो गई। पहचान पत्र के आधार पर हरियाणा पुलिस उसकी तलाश में काशीपुर पहुंची, लेकिन कोई सुराग न लग पाने के कारण बेरंग लौट गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटाया जा रहा मुख्य बाजार से अतिक्रमण। तो समाज सेवी ने अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।